मलाड़ पश्चिमी पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा हफ्ता का आज आखिरी हफ्ता मनाया गया, जिसके दौरान जरूरतमंदों में 1,000 राशन किट बांटा गया। यह आयोजन मुंबई के मलाड़ पश्चिम में मालेदार वाड़ी नंबर 5 में मलाड़ विधानसभा अध्यक्ष भावित दोषी और मलाड़ विधानसभा उपाध्यक्ष रूपा दोषी द्वारा मनाया। पीएम मोदी का जन्मदिन 1 महीने तक मनाया, जिसके उपलक्ष्य में कई सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज सेवा हफ्ता के अंतर्गत आखिरी दिन जरूरतमंदों में 1,000 राशन किट का वितरण किया भावेश जोशी के द्वारा। इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी, अन्य बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी। सांसद गोपाल शेट्टी ने भावेश जोशी का अभिनंदन किया उनके इस अच्छे कार्य के लिए। इस दौरान आए हुए अतिथियों को पटका पहना कर स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था, देखिए मुंबई से खास रिपोर्ट। मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए मैं अपने आप को भी भाग्यवान मानता हूँ। सभी कार्यकर्ताओं को फिर एक बार धन्यवाद। भावेश दोष ने इतना बड़ा आयोजन किया, इसलिए उनको विशेष अभिनंदन। दीपावली की सबसे बहुत आपके द्वारा इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया मोदी जी के जन्मदिन के अवसर में, से आज लास्ट दिन है और आज ईद मिलन भी है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज शरद पूर्णिमा, ईद मिलन भी है, मतलब कोई भी धर्म का होगा, लेकिन आज धार्मिक दिन बड़ा है, तो इस शुभ अवसर पे हम लोग ने ये जो राशन किट का वितरण रखा है, एक्चुअली में हमने मोदी जी के जो 17 सितंबर में जो सब अपना जन्मदिन था, तो सब सेवा का सप्ताह मनाने का हमको बीजेपी पार्टी ने आदेश दिया था। हमने उससे आगे बढ़कर सेवा के 4 सप्ताह का संकल्प किया था और उसी अनुसंधान में ये 5वां प्रोग्राम है राशन किट वितरण का। करीबन 1,000 परिवार को, जो ज़रूरतमंद है, वार्ड नंबर 46 में रहते हैं, उनको हमारे जो कार्य सम्राट गोपाल सेठी जी खासदार है, उनके मार्गदर्शन में यूनुस भाई है, नरेंद्र राठौड़ जी है, और जिला के और मलाड़ मंडल के पदाधिकारी और हमारे गुजराती सेल के मार्गदर्शन और सहयोग से ये आज अनाज वितरण का काम किया है। क्योंकि अनाज वितरण ऐसा है, मानव सेवा प्रभु सेवा है, तो अगर आदमी उसका पेट भरेगा, तृप्त होगा, तो उसका आशीर्वाद मिलेगा और आगे और काम करेगा। जैसे कि आज यहाँ गोपाल शेट्टी जी भी पहुँचे थे, आज आपके जो कार्यक्रम का आखिरी दिन था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गोपाल शेट्टी जी तो ऑलवेज हमको इंस्पायर करते हैं, हमारे हर एक कार्यक्रम में आते हैं, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में ही कार्यक्रम होता है, तो वो हमारे खासदार है, तो उनकी उपस्थिति विशेष रहती है और उससे और हमको काम करने का प्रोत्साहन मिलता है। गोपाल जी द्वारा और आपके हस्बैंड के द्वारा इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रही है, गर्व हो रहा है कि इतने लोगों को हम लोग दे रहे राशन किट के। ऐसे भी कुछ भी कार्य करो, दान, अन्नदान वो माँ दान है, तो अच्छा लग रहा है। कितने लोग को राशन देने वाले हैं? 1,000 जन को। तो ये राशन है वो किस तरह से दिए जा रहे हैं? कोई कूपन से या कुछ और भी? कूपन, कूपन से 7-10 दिन से, कितने टाइम से तैयारी चालू है, सब अनाज मंगाया, सब पैकिंग करने का और वो सब करके। और आपके साथ आपकी कोई फाउंडेशन भी जुड़ी हुई है? आरवी फाउंडेशन हमारी एक रजिस्टर्ड संस्था है, जो हमारी वो फैमिली की है, आरवी फाउंडेशन करके, तो हम 15 साल से अविरत कार्य कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से भी ये काम हो रहा है। पहली बात तो ऐसा है, हमारे विश्व नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो वो कार्यक्रम कर रहे हैं भावेश जोशी जी,
उनके लिए भाव दूसरे को मैं बहुत बहुत जिला की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। और विश्व नेता बन गए हमारे नरेंद्र मोदी जी, इसके लिए हमें गर्व है। भारतवासियों को गर्व होना चाहिए कि हमारा नेता विश्व नेता कहलाता है और आगे भारत विश्व में एक नंबर पे पहुँचेगा। तो ऐसे व्यक्ति के जन्मदिन के ऊपर उपलक्ष्य में भावेश जोशी जी जो कार्यक्रम कर रहे हैं, गत एक महीने से वो अभी पांचवा कार्यक्रम किया उन्होंने, उसके लिए वो बधाई के पात्र है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी यह एक ऐसी पार्टी है जो हर एक को यही कहती है कि निचले स्तर तक लोगों को मदद कीजिए, काम कीजिए। लोगों को निचले स्तर में जब भी काम होगा तो भारत आगे बढ़ेगा, विश्व आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। और इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो काम कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे कार्यकर्ता रहेगा, वो भी यही काम करेगा कि बाबा सबको साथ में लेके चलना, सबका काम करना, सबका विश्वास जीतना। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसा अपना काम यहाँ पे हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत भव्य दोषी का अभिनंदन करता हूँ। जोशी जी द्वारा रूपी जोशी जी द्वारा इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, 1000 लोगों को राशन की किट बांटी गई है, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि भावेश भाई और रूपा बहन ये मलाड 46 के लिए एक वरदान है। उन्होंने ये जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यक्रम थे पंद्रवड़ा, वो उन्होंने जितना मनाया मेरे ख्याल से उत्तर मुंबई में कोई ऐसा गुजराती सेल का अध्यक्ष या बेसिक का भी अध्यक्ष नहीं रहेगा जिन्होंने लोगों की इतना सेवा की। और हर व्यक्ति के घर पे या हर व्यक्ति के पास पहुंचने का कोई ना कोई मार्ग से उन्होंने प्रयत्न किया है। उनका सबसे सराहनीय कार्य बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो कार्य है ना उसकी तो सराहना पूरे उत्तर मुंबई में या पूरा मुंबई में उनकी हुई है। उन्होंने जो कार्य किया है उसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, रूपा बेन को भी शुभकामनाएं देता हूँ। और ये वार्ड का अध्यक्ष नाते हम लोग ने हमारी टीम पूरी, संगीता दलवी जी मेरी महिला की टीम, मेरे उपाध्यक्ष, मेरे महामंत्री, उन्होंने भी जो सहकार्य किया वार्ड 46 से, मैं उनका भी आभारी हूँ। और भावेश भाई का हमारे नेता श्री नरेंद्र राठौड़ जी का, उदय चौगले जी का भी आभारी हूँ। और ये कार्यक्रम जो उन्होंने सक्सेसफुल करके दिखाया उनके लिए मैं उनका शतश आभारी हूँ। और मैं वापस एक बार बोलूँगा वार्ड 46 के लिए सीरियसली बहुत बहुत अच्छे नेता हमको मिले जो लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए खड़े रहते हैं, 24/7 रहते हैं, और महावीर क्लिनिक से भी वो पूरा साल भर सेवा करते रहते, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे अच्छा लगा क्योंकि गरीब के लिए कर रहे हैं सब, हर एक गरीब को दे रहे और जिसको ज़रूरत है उसको वो कर रहे, तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि गरीब लोगों के लिए कुछ तो कर रहे हो। और उनका काम बहुत अच्छा है और उनकी सोच है ना वो सबसे बहुत अच्छी है, क्योंकि वो सामान्य लोगों के बारे में इतने अच्छे से ये कर रहे, समझ रहे, तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि वो गरीबों को समझ रहे और उनकी हर एक प्रॉब्लम को अपने साथ ले रहे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे बहुत पसंद। मैं बीजेपी की पार्टी में हूँ शुरू से ही, पहले से ही हूँ, और जो कर रहे हैं सबका अच्छा, मतलब कि बम्बई का इतना स्वादा हमारे बीएमसी वालों के लिए भी मान रख, बहुत खुश है भावेश भाई और रूपा मैडम, हम लोग बहुत बहुत खुश होते हैं कि कभी है हम लोग को याद रखे, बीएमसी वाले को पहला मान देना चाहिए ऐसा करके, तो वो सबसे वालों को हमको बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है, भले खुश दो मत मगर हमको सम्मान से बुलाते हैं, सम्मान हर टाइम हम लोग को सम्मान देते हैं रूपा मैडम और भावेश भाई, तो उसमें तो हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे बारे में इतना सोचते हैं वो हमको बहुत अच्छा लगा कि हमारी भी कोई इज्जत है, नहीं तो हमारे कचरे वालों की कोई इज्जत नहीं करता है। बोलते हैं लोग बाग दोस्त कदम दूर निकलते हैं, अभी तो सब बुलाते हैं, साथ में रहते हैं, तीसरे हफ्ते भी हम लोग का इतना मान रखा, तो अभी सब जगह पे मान देते हैं। कोविड के टाइम में हम जितना मेहनत किया था ना, तो वो हिसाब से अभी बहुत सोचते हैं कि ये लोग की वजह से वो तो हमारा गर्व है। अच्छा है, कभी भी आप लोग ऐसे आगे बढ़ते रहो, हम लोग खड़े हैं तैयार हैं आप लोगों के लिए, मैडम आगे बढ़ते रहना चाहिए, बस यही हम लोग का आशीर्वाद है, सही नेता की जरूरत है।